ये 2 लाख जो आपने कहे थे, मेरा चेक। ये रहा आपका चेक। अरे वाह, मेरा अकाउंट भी इसी बैंक में है। इफ यू डोंट माइंड, मैं क्रॉस चेक कर लूं? नॉट एट ऑल, गो अहेड। नमस्कार गायतोंडे साहब, नामदेव बोल रहा हूँ साहब। एक हेल्प चाहिए था, एक बैंक ड्राफ्ट है। नॉट एट ऑल। दिन दहाड़े एक वीरान जगह पर हो जाता है एक आदमी का कत्ल, और खून करती है एक औरत जो उस आदमी से पहले पैसे लेकर उसे वहीं पर बड़ी सफाई से मार डालती है। नमस्कार, मैं गौरव चोपड़ा सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। कौन है ये शातिर औरत और कौन था वो आदमी? आखिर इनमें संबंध क्या था? क्या ये हत्या किसी प्रतिशोध का नतीजा थी या फिर किसी गहरी साजिश का? आइए देखते हैं इसके पीछे का सच जो आपको चौंका देने वाला है। जैसे स्केच रेडी हो जाए सब न्यूज़पेपर में छपा दो और हर पुलिस स्टेशन में पहुंचा दो इसको। हाँ हाँ बराबर, बस ये आई सही। भाई साहब, सब्जी बेच रहे हो या सोना? पिछले हफ्ते जब मैं आई तब आलू 20 रुपए किलो था, अब अचानक से 25 रुपए हो गए। मैडम, मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, 15 में भी दिया है कि नहीं मैंने आपको? हाँ पर ठीक है ना, क्यों इतना? अरे रवि, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे कितना कम तोल रहे हैं आप, एक आलू आलू डालिए। अरे मैडम हो गया, अरे हो गया, देखो ना। आप डालिए डालिए, ये लियो बस। चलिए चलिए जल्दी से करिए, ये लियो। अब जल्दी से बताइए कितना हुआ? 20, 50, 10, 22, 112। क्या? दिवाला निकालेंगे आप? लो। अरे रवि, रवि आप रखो रखो। भैया 12 रुपए वापस दीजिए। नहीं परवर्ता मैडम। अरे नहीं, कैसे परवर्ता, 100 रुपए बराबर है। नहीं 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 भाई साहब, 2 रुपए दीजिए। आपको भी ना पैसे देने की बहुत जल्दी पड़ी थी, अरे वो 100 रुपए में आराम से मान जाता था। चलो बेटा। सर ये वही औरत है, अभी अभी सब्जी मार्केट से निकली है, लगता है अपने घर जा रही है। अरे तारा, वहाँ पे स्टोरूम में क्यों ताला लगाती हो तुम? आपको पता है अनिकेत वहाँ जाकर छुप जाता है। हाँ, सच में, इतना सारा सामान पड़ा है, कहीं उसे कुछ लग गया तो। ओहो, किचन में माइक्रोवेव लाना है, रेफ्रिजरेटर भी खराब हो गया है। अरे तुम सिर्फ मुंह चला रही हो, काम भी कर रही हो। मेरा टाइगर, मेरा लड्डू, मेरा शेर। एक बार डिसाइड कर लेना। क्या? मम्मी तो कहती है लड्डू और पापा कहता है टाइगर। आइए। ये आपकी बीवी है? हाँ, क्यों, आप कौन है? तुमने स्केच बनवाया अपना? नहीं तो फिर ये मैडम कल आप कहाँ थी? एक्सक्यूज मी सर, कौन है आप लोग? चलिए बाहर निकलिए वरना पुलिस को फोन लगा दे। फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आमने सामने बात कर लेते हैं। इन्होंने मर्डर किया है। और कुछ गलत फहमी हो रही है आपको, हम परिवार वाले लोग हैं। मर्डर करने वाले भी परिवार वाले होते हैं, वो कोई आसमान से नहीं टपकते हैं। तन लेकर चलो। एक मिनट, क्यों चलेगी वो? हाँ, क्यों जाएगी पुलिस स्टेशन? एक मिनट सर, आप ऐसे एक तो घर में घुस आए और आप ले जाने के लिए आपके पास सबूत है क्या? कोई मेरी तरह मर्डर नहीं कर सकता। पिछले 1 महीने में एक नहीं पूरे 6 मर्डर हुए हैं, और 6 के 6 मर्डर एक ही तरीके से किए गए हैं, नायलोन की रस्सी से गला घोटकर। सारे के सारे पैसे वाले थे और हमें शक है इन्होंने मर्डर किया। देखा चलो इन्हें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
ना मुझे, रवि कहाँ है? रवि रवि से बात करो, मैं मुझे जाने दीजिए ना मुझे। मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। बता तूने कैसे मारा? किसी को भी नहीं मारा, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। एक कसम है ना, अपने घर पे जाके खाना। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पति को बोले ही, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। इधर हनीमून पैकेज चल रहा है। रमेश सुमन, सचिन पाटिल, नरेश मिश्रा, मुकुंद शिंदे, परेश जोशी और नामदेव यादव, बता तुमने इन सबको कैसे मारा? बताओ। मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ? मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। तुम्हारा बेटा बाहर इंतजार कर रहा है, तुम सच बताओ और यहाँ से चले जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। हथियार कहाँ छुपा रखा तुमने? कहाँ छुपा रखा है? देखो, तुम हमें सच सच बता दो कि तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है। रवि, रवि, मेरी पत्नी ने कुछ किया ही नहीं है तो उसे अंदर क्यों रखा है आपने? एक मिनट, ये स्केच देखिए। देख चुका हूँ, 10 बार दिखा चुके हैं स्केच आप मुझे। अरे मैं कह रहा हूँ आपसे कि तारा से मिलता जुलता आप स्केच बना देंगे तो कोई जरूरत नहीं कि तारा क्रिमिनल हो जाए। टू अंडरस्टैंड सर, आप पुलिस है तो किसी को भी खूनी बना नहीं सकते। आप उसे बाहर निकालिए वरना मैं आपके ऊपर तक कंप्लेंट करूंगा। पापा, मुझे मम्मा से मिलना। एक मिनट बेटा, एक बार इधर बच्चे को बाहर लेकर जाओ। जरूरी है उसको? जी हाँ जरूरी है। जाओ बेटा। आता हूं मैं। देखिए मिस्टर रवि, एक बार हमारी इंक्वायरी पूरी होने से। सर, इंक्वायरी उसकी होती है जिसके कुछ किया हुआ है। अरे सर, आपके पास सबूत कुछ है नहीं और आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, पर अंदर ढाल दिया उसे। मैं जाता हूँ। देखिए मिस्टर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तो बाहर निकालिए उसे, अभी बाहर निकालिए। देखिए, मामूली केस नहीं है, ये एक मर्डर का केस है। मर्डर केस नहीं है, मामूली केस है। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो नहीं कर सकती किसी का खून। घर में कॉकरोच से डर जाती है सर। सर, 6-6 लोगों का खून उससे नहीं हो सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। तारों को लेकर आओ। गणपत को लेकर आ। बिठाओ इसको यहाँ पे, इधर बिठाओ। नमस्ते सर। आ गया तू? इसे देख, ये वो औरत। लगती तो वही है साहब। हाँ, पर थोड़ा अलग भी लगती है। इधर। हाँ सर। ठीक से देख, ये वो औरत। जरा देख और बता कि ये वही है कि नहीं। लगती तो वैसी है, लेकिन कपड़ा एकदम डिनचक बोले तो मॉडर्न पहना था, और बाल बाल इतना लंबा कैसे हो गया? हाँ नहीं साहब, शायद पता नहीं साहब। चल अब तू निकल यहाँ से, और आ सुन, जब तुझे बुलाऊंगा सीधे इधर पहुंचना। Ha 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 ha
रो मत तुम क्यों रो रही हो? देखो बाबा, अरे तुम्हें कहा ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सीधे साधे लोगों को तंग करने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। मां नानी का दावा ठोकूंगा उन पर, कोर्ट में जाएंगे, अच्छे से अच्छा वकील ढूंढेंगे। पानी पी। बेटा चुप हो जाओ, बस बस तारा बस बस। एप्पल खाओ बेटा, मैं तुम्हारा बैग लेकर आता हूं, ठीक है? क्या कर रही हो तारा? मैं हूं ना। चलो ठीक है, मैं आज तुम्हारे पास रुकता हूँ, ठीक है? चलो रोना बंद करो, आओ बैठो। बस बेटा कुछ नहीं, उनको थोड़े सा सर में दर्द हो रहा है इसलिए, ठीक है? चलो आप वो बुक सारी बाहर पड़ी हुई है बैग में भरो, लेट हो रहे हो ना आप, चलो जाओ 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 जाओ। रवि रवि वो लोग आ जाएंगे। कौन आएगा? कोई नहीं आएगा बाबा। रवि 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 वो लोग आ गए। एक मिनट, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं हूं ना। हाँ नहीं नहीं, रुको नहीं रवि, नहीं नहीं, तुम दरवाजा मत खोलो, नहीं नहीं। कोई नहीं है, तुम क्यों चिंता कर रही हो इतना? नहीं रवि नहीं, एक मिनट देखने दो। नहीं रवि, इस महीने का पेपर का बिल पैसे कल ले लेना। हाँ ठीक है। देखा कोई नहीं था ना, क्यों डरते हो आप इतना? रवि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कुछ नहीं किया रवि। मैं जानता हूँ बाबा तुमने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों बता रहे हो आप? इतनी चिंता करते रहते हो, पूरा दिन रोते हो। कितना हुआ भाई? आपके 165 हो गए। 165? पैसे दे रहा हूँ बाबा कुछ। हाँ साहब 150 हुए, मैंने 15 ज्यादा बोले। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है कि मैडम हमेशा मोल भाव करते हैं ना, आज क्या बात है मैडम मोल भाव नहीं कर रही। तुम पर भरोसा कर लिया ना आज ज्यादा। पकड़ो 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 पकड़ो, चलो। क्यों डर रही हो बाबा? उठाओ फोन, चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं फोन नहीं उठा रहा, आप ले लीजिए ना फोन। देखो 15 दिन हो चुके हैं ना, और पुलिस से कोई आया तो फिर क्यों डर रही हो? जाओ जाओ, वो कुछ कहेंगे। उठाओ पे ही है ना। हाँ देखती हूँ माँ।
फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। माँ का फोन था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे बुला रहे थे मिलने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो, माँ बीमार है और तुम नहीं जाओगी? जाओ चलो। मैं नहीं जाऊंगी, ना मैं कल ही नहीं जाऊंगी। आप चलिए ना मेरे साथ, आप चलिए, हम जाएंगे। क्यों डरती हो तुम? तुमने कुछ किया है? किया है कुछ तो फिर क्यों डर डर के जी रही हो? आज दोपहर की बस से तुम जाओगी, जाओ मैं अनिकेत को संभालूंगा, जाओ। नहीं 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 रवि, आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए। अरे मुझे छुट्टी नहीं मिलती बार बार, काम करूं या ना करूं अनिकेत को होमवर्क कर नहीं पाता। आप मुझे डांट रहे हैं। डांट नहीं रहा हूं मैं आपको, और प्यार से भी कितनी बार समझाऊं, और इतनी बार ऐसे डर डर के तुम जी रही हो। ना मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, ना अनिकेत अपना होमवर्क कर पा रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? ठीक है, मैं जाऊंगी। जेल की सलाखें, इंटरोगेशन, लॉकअप, सवाल पर सवाल और पहचान परेड जैसी यातनाएं किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है, और यही तारा के साथ भी हो रहा था। आज तारा जेल की सलाखों से बाहर जरूर थी, मगर डरा देने वाले उस एहसास से वो आज भी आजाद नहीं हो पाई थी। एक मिनट, हमें अपना काम करने दीजिए। निकलो। एक मिनट, वारंट है आपके पास। छोड़िए मुझे। बेल मिल गई है और ये इनकी पत्नी के जमानत के पेपर्स। तारा तो हम लोग को लेकर आओ। आपको क्या लगता है इतनी आसानी से छोड़ देंगे हम आपको? मानहानी का दावा ठोकूंगा आप पर। देखो रवि, हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इतने सारे मर्डर हुए हैं, सेम एक जैसे, सेम एविडेंस। रवि रो मत। रवि चलो घर चलते हैं। चलो ना, परेशान किया इन लोगों ने, कोर्ट में खसड़ूंगा इन सबको। चलो नहीं, रवि घर चलो। मेरी बात सुनो, सावधान करना मेरा काम है, बाकी तुम भी समझदार हो। चलो घर चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। चलो 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 चलो। रवि, ये लोग मेरे पीछे क्यों मरे हैं? रवि, मेरे आज तक पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखी थी, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं रवि? और फिर अनिकेत के स्कूल वाले को भी तो बात करेंगे ना, कैसा लगेगा रवि? मम्मा भूख लग रही है। हाँ बेटा, अभी जा। चलो चलो बेटा। हेलो। हाँ जीजा जी, मैं नंदा। कौन? तारा के माँ के घर से, उनकी काम वाली। हाँ हाँ हाँ, बताइए क्या हुआ? वो तारा की माँ का तबीयत बहुत खराब है ना। तारा को मैं फोन लगाई थी पर लगा नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ उसे।
लेकिन वैसे तो आई थी ना वो परसों ही। तारा दीदी को तो आए इधर एक साल हो गया। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है। रवि, किसका पुलिस का फोन था क्या? नहीं, वो स्कूल से, मेरे स्कूल से फोन था। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। दीदी नहीं आई? माँ कहाँ है? अंदर है। आई आई रवि जीजा, मैं पानी लेके आती हूँ। भाई राजा, तारा नहीं आई, महीनों हो गए ना वो आई है और ना ही उसका फोन आया है। कैसी बात कर रही हो, माँ बीमार है और तुम नहीं जाओगी? जाओ चलो। ठीक है, मैं जाऊंगी। माँ, वो अनिकेत की परीक्षा चल रही है ना, इस वजह से नहीं आ पाई। लाता हूँ मैं जल्द उसे। महीनों हो गए ना वो आई है और ना ही उसका फोन आया है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी ना, ना मैं कली नहीं जाऊंगी। आप चलिए ना मेरे साथ, आप चलिए। सावधान करना मेरा काम है, बाकी तुम भी समझदार। महीनों हो गए ना वो आई है और ना ही उसका फोन आया है। तारा दीदी को तो आए इधर एक साल हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी ना, ना मैं कली नहीं जाऊंगी। आप चलिए ना मेरे साथ, आप चलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बीवी तुम्हें अंधेरे में रख रही है? इसे देख, ये औरत लगती तो वही है साहब। आप खाना खाइए ना। हाँ रवि, आपको तो पता है मुझे घर पे कितना डर लगता है, और मुझे ऐसे अकेले घर पे रखकर आप कितनी देर तक बाहर थे, कहाँ गए थे आप? पुराने पड़ोसी थे ना हमारे, शरद तिवारी जी, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है तो उनसे ही मिलने गया था मैं। अब कैसी तबीयत है उनकी? ठीक चल रही है। खाओ बेटा। परसों तुम अपनी माँ से मिलने गई थी तो अच्छा लगा होगा ना तुम्हें, माँ की तबीयत भी थोड़ी ठीक हुई होगी। फोन नहीं आया क्या उनका उसके बाद? नहीं, वो अब उनकी तबीयत ठीक है। पूछ रहे थे आपके बारे में। इसे भी अभी जाना था। स्टोरूम में क्यों ताला लगाती हो तुम? आपको पता है अनिकेत वहां जाकर छुप जाता है।
सात साल में आज तक कभी बाहर आकर नहीं सोए। कल रात को भी अजीब बिहेव कर रहे थे, मेरी माँ के बारे में भी पूछ रहे थे। इसको बताने के अलावा कोई चारा ही नहीं। क्या कर रहे थे तुम? पुलिस को फोन लगा रहे थे? मॉर्निंग बच्चा, उठ जाओ जल्दी से, चलो स्कूल के लिए, फिर लेट होगा ना। अच्छा ये बताओ लड्डू, तुम मम्मा के बेटे हो या पापा? मम्मा का। ये चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मा ब्रेकफास्ट बनाएगी। ओके सारे लोगों का डर किया। हाँ किया, पर मेरे लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे घर के लिए। अच्छा घर, अच्छे किचन अप्लायंसेस, ये सब चाहिए था मुझे, और इन सब के लिए पैसे तो लगते ही हैं। तुम्हें कह दिया मैंने कि किटी पार्टी से पैसे आए हैं या फिर मेरी माँ ने भेजे हैं, पर हकीकत तो ये है कि ये सारे पैसे इन मरे हुए लोगों से आ रहे हैं। तुम्हें पता है इन सबको मारने में मुझे कितनी मेहनत लगी है? बहुत मेहनत की है मैंने सबको मारने में, और तब जाके ये इतना अच्छा घर, ये ऐशो आराम, ये सब इस घर में। इन सारी चीजों की जरूरत नहीं थी तारा। तुम्हें शायद जरूरत नहीं हो, मुझे है। क्या सोच रहे हो? पुलिस को फोन करोगे? कर। मैं अनिकेत के पास हूं। एक कामयाब शादी के लिए ये बेहद जरूरी है, अपने जीवन साथी को जानना और उसे अच्छी तरह से समझना। मगर शादी की नींव जब झूठ और अविश्वास से घिरी हो तो उसे बचा पाना नामुमकिन हो जाता है। तारा और रवि के रिश्ते में भी ठीक यही हो रहा था। अचानक तारा का असली रूप सामने आ जाने से रवि भौचक्का रह गया। इतने साल साथ रहकर भी रवि तारा और उसके खौफनाक इरादों को जान नहीं पाया था। रवि को भनक भी नहीं लग पाई थी कि उसकी जीवन संगिनी एक बेरहम अपराधी है, कातिल है। क्या रवि तारा के चंगुल से निकल पाएगा, और मासूम अनिकेत उसका क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा किसी को। नहीं बताएंगे ना, किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे ना। आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी, वही करेंगे ना? चल
अनु, अनी, अनिकेत, अनु, अनिकेत, अनु, अनिकेत, फोन बिजी आ रहा था। किससे बात कर रहे थे आप? मैं कहीं आपको फिर से पुलिस की याद तो नहीं आ गई ना? वो मैं अनिकेत कहाँ पर है? मेरे साथ, और हम लोग यहाँ रेलवे ट्रैक पर हैं। तुम वहाँ पर अनिकेत को लेकर क्यों गई हो? अब क्या करूँ, अब एक नंबर के फट्टू जो है। क्या कितनी सारी ट्रेन आती जाती रहती है, कहीं कोई ट्रेन अनिकेत के ऊपर चढ़ गई तो? प्लीज ऐसा मत करना, अनिकेत को कुछ मत करना प्लीज। तुम वापस आ जाओ, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने पुलिस को फोन नहीं किया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। नॉट एट ऑल। ये जो फुटेज मंगवाए थे आपने वो ये रहे। Hello. Hi, this is Dolly Apte. I'm calling from Sterling Lotteries. Mrs. Rohini Chitle? हाँ बोल रही हूँ। जी हमारे ऑनलाइन लॉटरीज में आपका मोबाइल नंबर सिलेक्ट हुआ है। हमारी इस महीने की लकी विजेता है आप। अच्छा जी, आप पूरे 10 लाख की लॉटरी जीत चुकी हैं। क्या 10 लाख सच? जी कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? जी नहीं, आप चाहे तो अपना ईमेल चेक कर सकती है, आपको हमारे यहाँ से लॉटरी सर्टिफिकेट मिला होगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं चेक करती हूँ। जी जी सर्टिफिकेट तो मिल गया है मुझे। बस तो आप हमारे एमजी रोड के ऑफिस में आकर अपना चेक कलेक्ट कर लीजिए। पर प्लीज थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक अगर लॉटरी प्राइज विनर ने 1 घंटे में अपनी प्राइस क्लेम नहीं की तो दूसरे विनर को पास ऑन हो जाती है। हाँ आप चाहे तो हमारे एचक्यू में बात भी कर सकते हैं, वहाँ का नंबर है 24561 और वहाँ हमारे सीनियर मैनेजर होंगे जिनका नाम है विमल वोरा। ओके बाय। तारा किससे बात कर रही है? अरे हाँ आपसे बात करनी थी मुझे। रखिए ना आप अपना फोन और आप मुझसे बात कीजिए। देखिए मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि एक औरत को कमाना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कमाती हूँ और आपसे कई ज्यादा कमाती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नई जॉब ढूंढे, कोई जरूरत नहीं, पर एटलीस्ट आप अपनी बीवी को मदद तो कर सकते हैं, उसका हाथ तो बटा ही सकते हैं, है ना? Means? पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, हाथ धोकर पीछे पड़ी है और मैंने अभी अभी एक बकरा फंसाया है, तो आप चलिए मेरे साथ और देखिए कि आपकी बीवी कैसे काम करती है, कितनी मेहनत करती है, फिर धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। तो दूसरा बकरा आपका, ठीक है? चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। तारा मेरा मतलब ये है कि इन सब की जरूरत क्या है? अरे मैं अपने काम को फैमिली बिजनेस बनाना चाहती हूँ और आप है कि अभी तक वो जेंटलमैन गिरी जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अनिकेत को सिखा देती हूँ कैसे मर्डर करते हैं, कैसे पैसे घर पे लाते हैं। ओके okay? अनिकेत को नहीं, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, मैं चलता हूं। That's like my sweet husband. Excuse me.
मिस डॉली जी, मिसेस चित्ते, हो गई आपकी बात मिस्टर वोरा से? हाँ, मैंने विमल से बात कर ली है जी। आपका चेक मेरे पास ही है, जस्ट गेट दैट 20%, ओके? या जी, मैं ऑफिस से तो निकल चुकी हूँ, हम लोग एक्सप्रेस वे पर मिल लें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी, मैं आपको एड्रेस SMS करती हूँ। फाइन, ओके बाय। सो गो गेट रेडी, हमें निकलना है। लड्डू मेरा बच्चा, क्या कर रहा है? चलो हम लोग मॉल चलते हैं, ओके? और वहां जाके आपको वो वीडियो गेम लेनी थी ना, वो लेंगे, नए नए कपड़े लेंगे। पापा भी रेडी हो रहे हैं। नए कपड़े क्यों? अरे बेटा, आज मम्मा भी नए कपड़े पहनेगी। वो आपके स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है ना, वैसे हम भी फैंसी ड्रेस पहनेंगे। ये फैंसी ड्रेस। ये। चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाते हैं, ओके? चलो। रिमोट कंट्रोल वाली कार लेंगे ना हम। देखो पापा भी रेडी होने जा रहे हैं, है ना? जाइए जल्दी रेडी होकर आइए। यही है रोहिणी आपके। अब तुम देखो मैं कैसे जाकर उसके साथ खेलती। एंजॉय। हे रोहिणी। हाय मिस डॉली, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हियर इज योर चेक। थैंक यू। 10 lakh rupees, माय गॉड, इज दैट गुड? इट इज। वेयर इज माय मनी? हां, लाई हूं, ये लीजिए। थैंक यू। मिस डॉली, आप इसके लिए मुझे कोई रसीद या कुछ देंगे? प्लीज डोंट माइंड। रोहिणी, ये जो चेक है ना, एब्सोल्युटली जेन्युइन है, ओके? पर फिर भी एक बार मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड से बात कर लेने दीजिए, प्लीज। जस्ट 1 minute, ओके? नॉट एट ऑल। हेलो। अच्छा सुनिए, मैं क्या कह रही थी कि ये ना, मैं एक औरत से मिली हूँ, उनका नाम मिस डॉली है। You can't do that. तुम नहीं सुधरोगे, है ना? कमीने, बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे, समझे? पैसे चाहिए। मम्मी, 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 मम्मा क्या करो? मम्मा, समझे? मुझे पैसे चाहिए। आप दोनों की बातें मैंने मोबाइल पर सुन ली थी। रखिए ना आप अपना फोन। हेलो, पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, तो आप चलिए मेरे साथ और देखिए कि आपकी बीवी कैसे काम करती है। क्या हम हाईवे पर मिल सकते हैं? उसके बाद आपका मोबाइल ट्रैक करना शुरू किया, मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से यहाँ पहुँच गया। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। मतलब इस बार थी सही समय पर तुम्हें पहचानने में गलती करती हूँ। ले चलो इसे। तारा और उसके साथी अपने किए की सजा जरूर भुगतेंगे, पर रवि को बिना किसी अपराध के ही सजा भुगतनी पड़ी। उसका घर संसार बर्बाद हो गया। रवि ने अपने जीवन साथी पर अंधा भरोसा किया, उसके बेफिजूल खर्चों को नजरअंदाज किया, ना कभी उसे ठीक से समझने की कोशिश की और ना कभी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में झांकने की कोशिश। एक क्लूलेस हस्बैंड की तरह बस जिंदगी काटता गया, जहां कोई पारदर्शिता थी ही नहीं। तारा और उसके साथी अपराधियों पर IPC की धारा 415, 416, 419 और 302 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी,
लूट और हत्या के आरोप का मुकदमा चलाया जा रहा है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। याद रखिए, जब आप और हम सावधान हो जाएंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। सुरक्षित हो जाएंगे अपराध से, सुरक्षित हो जाएंगे अपराधियों से। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा अपराध से संघर्ष करती हुई एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।